जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंपटीशन के ऊपर में। आप सभी को सबसे पहले राधे राधे, जय श्री राम। देखिए CGL 4 के ऊपर में अपडेट है और उस अपडेट को बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं। देखिए आप लोग, बहुत लोग का कमेंट ये आता है, आप तो बोले थे इतने टाइम में आ जाएगा, फलाना टाइम में आ जाएगा, ढिमकाना टाइम में आ जाएगा। देखिए हमारे पास भी जैसे अपडेट जो अपडेट आता है हम लोग उस हिसाब से आपको अपडेट करते हैं, राइट। अब ऐसा तो नहीं है हम खुद ही आयोग हैं या हम आयोग के अंदर बैठे हैं, राइट। बहुत लोग ये बोलते हैं कि आने ही वाला नहीं है, ये लोग यूं ही उल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं, कुछ अपडेट मतलब वैकेंसी CGL 4 का भी आने वाला है नहीं, उसको आने में टाइम लगेगा, दिसंबर तक आएगा, नवंबर तक आएगा। बहुत लोगों का बहुत सारा ऐसा जो है अपना अपना बात है। दो बात हम क्लियर करना चाहेंगे। पहला बात, अगर मुझे रॉन्ग इन्फॉर्मेशन देना रहेगा, गलत तरीके से अगर वीडियो बनाना रहेगा जैसा कि आप लोग बोलते हैं, ठीक है, तो हम हर रोज़ वीडियो बनाएंगे, हर घंटे वीडियो बनाएंगे। आप देखते होंगे मेरे चैनल पे वीडियो, दिन में एक वीडियो आता है, एक से दो दिन में वीडियो आता है, ठीक है, एक से दो ही वीडियो आता है, और जब कोई अपडेट है तो ही आता है, अदरवाइज़ एक एक दिन दो दो दिन का गैप भी हो जाता है। तो आप लोग उस हिसाब से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमको कोई व्यूज़ व्यूज़ नहीं चाहिए, और अगर व्यूज़ के लिए और पैसे के लिए हम वीडियो बनाना चाहें तो दिन भर में हम कम से कम 5 वीडियो नहीं बना सकते। मेरी वीडियो का लेंथ कितना होता है, 2 मिनट, 3 मिनट, मैक्स टू मैक्स 6-7 मिनट, इससे ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होता है मेरा। तो वैसा वीडियो हम दिन में 5-6 बना सकते हैं, 7 बना सकते हैं। और व्यूज़ का जो बात रहा, आप सोचिए 5-6 वीडियो दिन में हम डाल रहे हैं, कितना सारा व्यूज़ आएगा, और आप लोग के हिसाब से पैसा हम बहुत कमाते हैं तो बहुत पैसा भी आएगा। भाई साहब जान लीजिए, YouTube से मेरी कुछ कमाई नहीं होती है, जीरो इनकम है इससे, जीरो, निल, कुछ कमाई नहीं है। तो आप लोग ये सबसे पहले परसेप्शन बनाना बंद कर दीजिए कि व्यूज़ के लिए वीडियो बना रहे हैं, गलत इन्फो दे रहे हैं। भाई अगर आपको गलत लगता है मेरा वीडियो, आप वीडियो छोड़ दीजिए, अभी कभी छोड़ दीजिए, अनसब्सक्राइब कीजिए, चले जाइए। जिनको जेन्युइन लगता है वो रुकें, ठीक है। दूसरी बात, अब हम यहाँ पे आपके साथ एक और शेयर करना चाहेंगे कि यस, देखिए बिल्कुल बिहार SSC CGL 4 का वैकेंसी आने जा रहा है। अच्छा, एक सौरभ जी करके थे, सौरभ करके ऐसे हमारे एक सब्सक्राइबर है, वो बोल रहे थे कि BPSC लेगा या बिहार SSC लेगा। देखिए इसमें कोई शक मत रखिए, बिहार SSC ही लेगा। दूसरा, डिले बस इसलिए हुआ है क्योंकि गवर्नमेंट अभी चेंज हो गई है। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती थी तो अभी तक वैकेंसी आ गया होता, बस इतना जान लीजिए, ठीक है। रोस्टर क्लियर हो चुका है, आयोग के पास रोस्टर पहुंच चुका है, सिर्फ गुड टू गो करना है गवर्नमेंट की तरफ से, ग्रीन सिग्नल गवर्नमेंट की तरफ से करना है, बस वैसे ही पब्लिश हो जाएगा, लाइव हो जाएगा। तो यस, बिहार से CGL 4 जो है बिल्कुल एकदम रोस्टर आयोग के पास में है, सब कुछ क्लियर है। हम आपको पहले से बता रखे हैं कि देखिए 15 मार्च से पहले सडन आपको कभी भी बिहार SSC CGL 4 का नोटिफिकेशन देखने मिल सकता है। तो अपडेट यही है आपके लिए कि एनी टाइम कभी भी आ सकता है, और हार्ड चांसेस है, मैं फिर से बोलूंगा, हार्ड चांस है, बहुत हार्ड चांस है 15 मार्च से पहले, यानी आचार संहिता लगने से पहले CGL 4 आ सकता है, पहला चीज। दूसरा, बिहार SSC इसकी परीक्षा लेगी, तो इसमें कोई चिंता किंतु परंतु मत रखिएगा। अगर गवर्नमेंट चेंज नहीं होती तो अब तक शायद आपको CGL 4 दिख जाता, लेकिन गवर्नमेंट चूंकि चेंज हुआ है तो इस वजह से डिले थोड़ा सा हो रहा है। आयोग के पास प्रॉपर रोस्टर वगैरह सब कुछ पहुंच चुका है, सब कुछ तामझाम क्लियर हो चुका है, बस गवर्नमेंट की तरफ से जैसे ही ग्रीन सिग्नल मिलेगा पब्लिश कर दिया जाएगा, बस इतना ही बात है, ठीक है। अब बाकी जो है, मान लीजिए कि डिले होता भी है, जैसा कि हम हमेशा अपने वीडियो में, हर वीडियो में बोलते हैं कि देखिए एकदम 100% मान गई मत चलिए, आ ही जाएगा, हम बोल दिए, तो डिले होता भी है तो प्लीज़ आप लोग भाई मेरे ऊपर ठीकरा मत फोड़िएगा, आप तो बोल दिए थे तब आएगा, फलाना टाइम में आएगा, आया नहीं, ठीक है। तो हमारे पास जो इन्फो आता है आपके साथ हम शेयर करते हैं। अगर आपको हमारा इन्फो देना गलत लगता है या आपको ऐसा लगता है कि हम आपको मतलब भटका रहे हैं तो प्लीज़ आप वीडियोस मत देखिए मेरे, मैं इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा आपसे हाथ जोड़ के, ठीक है। बाकी जितने मेरे ऑथेंटिक सब्सक्राइबर हैं, जो मेरे मित्र हैं, जो फ्रेंड्स हैं, जो मुझे पसंद करते हैं, वो सब जानते हैं मैं बिल्कुल ऑथेंटिक इन्फो देता हूं। अगर मुझे वीडियो बनाना रहे मैं डेली बेसिस बनाता रहूंगा। दूसरी बात, देखिए CGL 4 के लिए हमारा GK GS का जो है बैच स्टार्ट हो रहा है, आप लोग उसमें जुड़ सकते हैं, श्योर सिलेक्शन बैच GK GS के लिए आप उसमें जुड़ सकते हैं। प्राइस सिर्फ 499 रखा गया है, नीचे आपको नंबर दिख रहा होगा, उस नंबर पे आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज कर लीजिए, कॉल प्लीज़ कोई आदमी मत करिएगा, आपको डिटेल जानकारी दे दी जाएगी। 1 तारीख से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, यानी कि 1 मार्च से हमारा बैच स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग, रजिस्ट्रेशन चालू है, सिर्फ स्टार्टिंग के सिर्फ 50 बच्चों को ही ऐड किया जाएगा। आप लोग अगर चाहते हैं फटाफट से आकर रजिस्ट्रेशन करवाइए, ऐड हो जाइए, क्योंकि 1 मार्च से बैच लाइव हो जाएगा। जय हिंद, धन्यवाद।